लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां आपको बताते चलें, जहां एक ओर सरकार रेबीज से होने वाली मौतों पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रेबीज के टीके लगवाने का कार्य कर रही है, वहीं पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि जनपद में स्वास्थ्य केंद्रों पर रेबीज के दर्जनों मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसकी हकीकत जानने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नौज पहुंची R9 भारत की टीम ने देखा। मरीज बिना टीका लगवाए वापस लौट रहे थे। उनके वापस लौटने की वजह जानने के लिए संवाददाता ने जब अधीक्षक सुधांशु दुबे से बातचीत की, तो उन्होंने बताया मरीजों की संख्या अधिक होने के चलते वैक्सीन खत्म हो गई है, इसी कारण कुछ मरीज वापस बिना टीका लगवाए जा रहे हैं। उन्होंने जनपद में रेबीज के केस बढ़ने पर चिंता जताई। अगर इस ओर कैडर कोचिंग डिपार्टमेंट तत्परता दिखाए तो शायद स्वास्थ्य केंद्रों पर इस प्रकार के मरीजों की संख्या का हुजूम न लगता। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, रेबीज एक जानलेवा बीमारी है और ये बीमारी पशुओं के बाइट करने से फैलती है। जैसे कि किसी को कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया या घोड़े ने काट लिया। इसको लेकर इस मास में, जैसा कि देखने में आया है, स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉग वाइड के इतने केसेस आते हैं, उनको लेकर स्वास्थ्य महकमे में हौच पौच का माहौल क्रिएट होता है। उसी की पड़ताल को लेकर आज मैं आपको लेके चलता हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नौज में। और क्या है डॉग वाइड को लेकर पूरी हकीकत, उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ पुरुष वार्ड के बाहर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो डॉग और मंकी वाइट के केसेस इस समय आ रहे हैं, और उसके लिए सरकार भी पूरी तरह से सजग दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ मुझे पेशेंट भी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए मैं उनसे, मैडम कहाँ से आई हैं आप? लाला। किस लिए आई हैं? मतलब ड्रेसिंग करवानी है, इंजेक्शन लगवाना है, इसके कुत्ते ने काट लिए थे इसलिए। किसको? बच्ची को। आप देख सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति किस क्लास में पढ़ती है? 6 में। ये आपके हाथ में ये क्या हो गया? कुत्ते ने काट लिया। जी? कुत्ते ने काट लिया। कि आपके घर में पालतू कुत्ता था, उसने काट लिया? जी, बाहरी कुत्ते ने। कहाँ काटा? नकासे में। अच्छा, तो क्या आप खेल रही थी, क्या कर रही थी? घर आ रहे थे स्कूल से घर आ रहे थे। तो क्या इसमें ज़्यादा घाव हो गया है? तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये डॉग बाइट के केसेस इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए पशु चिकित्सालय और उसके बाद एक जो विभाग होता है कैटर कैचिंग डिपार्टमेंट, उसकी अनदेखी के चलते जनपद कन्नौज में बहुत से छुट्टा जानवर, कुत्ते और बंदरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ही छोटे छोटे नौनिहाल जो घर से निकलकर पैदल अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल से अपने घर आते हैं, आवारा कुत्तों पर नगर पालिका के द्वारा, और इनको पकड़ने वाले जो कैटर कैचिंग डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा कहीं पर भी किसी भी ग्राम पंचायत या किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है। इस महीने में ऐसे ही डॉग वाइट और मंकी वाइट के केसेस बहुत आ रहे हैं। इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक से मैं आपको रूबरू करता हूं और
इस बात की हकीकत जानता हूँ सर। क्या अन्य दिनों की अपेक्षा आजकल क्या डॉग बाइट के केसेस में कुछ वृद्धि हुई है? पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो डॉग बाइट के या मंकी बाइट के केसेस है बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास ये स्थिति है कि केसेस आए हैं, हमारे पास रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है और हमने यहाँ से मांग पत्र बना के भेज दिया है। लेकिन समस्या ये है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, ये देखना पड़ेगा पिछले 3-4 दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक नए केसेस बढ़े हैं। अभी तक पुराने केसेस ज़्यादा आते थे, कल परसों दोनों ही दिन हमारे पास 25 से ज़्यादा नए केस आए हैं। तो हमें आवश्यकता है इस चीज़ को देखने की कि अगर ये खुले जानवर खुले में घूम रहे हैं तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है, और अगर मांग बढ़ गई हमारी इस वैक्सीन की तो हमें उसकी भी मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ के अधीक्षक कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार के केसेस बढ़ गए हैं, तो इस पर नगर पालिका और पशु चिकित्सालय के साथ साथ जो ये डिपार्टमेंट इन पशुओं को कैच करने का कार्य करता है उनको सजग होना पड़ेगा। जनपद कन्नौज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विनोद दीक्षित से अमित मिश्रा के साथ पुष्कर शर्मा की एक खास रिपोर्ट।